मकान घर। खुद जिए सबको जीना सिखाए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराए, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराए, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराए। मैं विज्ञान गुरु, इस घर के लिए जो भी कवायद हुई, शुरुआत हुई और चयन हुआ, ये सब प्रक्रियाएं जनवरी से शुरू हुई। पूरे देश भर को 6 क्लस्टर में बांटा गया, फिर उसको 3 क्लस्टर में किया गया, और फिर सूचनाओं के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और कम्युनिकेटर के माध्यम के साथ साथ स्टेट के जो विज्ञान संचारक और जिम्मेदार लोग हैं उनके माध्यम से सूचनाएँ दी गई। सूचनाओं के माध्यम के बाद उनका चयन किया गया, और जब इन बच्चों का चयन हुआ तो इसमें कई सारी चीज़ों को देखा गया, परखा गया। आप कैमरे के फैमिलियर हैं क्या? विज्ञान के प्रति आपका इंटरेस्ट है क्या? और आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है? ऑब्जर्व कैसे करते हैं, चीज़ों को ग्रास्प कैसे करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं विज्ञान को? इन सारी चीज़ों के साथ हमने जजेस के सहयोग के साथ, एक जो पैनल है निर्णायक मंडल का, उसकी समिति के साथ हमने इन बच्चों का चयन किया। जब ये चयन हो गया, अब बारी आई विज्ञान घर में रहने वाले बच्चों के चयन प्रक्रिया की। इसमें इनका इंटरेस्ट, इनका ऑब्जर्विंग पावर, इनका राइटिंग पावर, साइंटिफिक अप्रोच, पंक्चुअलिटी, इस तरह की ढेर सारी चीज़ों को देखते हुए जजेस लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और इनको मार्क्स दे रहे हैं। जो मार्क्स में जीतेगा, हर रोज जीतने वाले बच्चे को विज्ञान पुत्र बनाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और कोई ना कोई बड़ा अधिकारी आकर उसको वो सम्मान देता है। साथ ही ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से जो बच्चे चयनित होंगे, एक बढ़िया मौका उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है बाहर जाने का। एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है विज्ञान घर के लिए। मेरा नाम मुजिता डागा है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ और मैं NHKOEL वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हूँ। मैं विज्ञान घर में आने के लिए इसलिए उत्साहित हूँ क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, तो फिर मेरे को ये जानने को मिलेगा कि वो विज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मेरा नाम सत्यव्रत पांडे, मैं ओडिशा के कटक से आया हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरा स्कूल का नाम है नेहरू उच्च विद्यापीठ। मेरे को इसलिए विज्ञान घर में आना है क्योंकि मेरे को विज्ञान घर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरा नाम अंशिका है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय डोगरा लाइंस में पढ़ती हूँ, और विज्ञान घर के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, वहाँ हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसे मैं अपने साथ, जिसका ज्ञान मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं यूपी मेरठ से हूँ, कक्षा 8वीं दीवान पब्लिक स्कूल से। और मेरा विज्ञान घर आने का लक्ष्य यह है कि मुझे विज्ञान घर में बहुत सारी विज्ञान की गतिविधियों को सीखना है और अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीख के जाना है। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या गोले है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से हूँ। विज्ञान घर में हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, विज्ञान को प्रैक्टिकली सीखेंगे। मेरा मानना यह है कि विज्ञान के साथ साथ हमें गणित का भी प्रसार करना चाहिए, गणित को भी प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। सर, मेरा नाम आतिक कलीम है, मैं समोली से आया हूँ। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श इंटर कॉलेज है। सर, हमें नहीं पता कि विज्ञान घर में क्या होगा, लेकिन जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। और मैं जो मशीन बना कर लाया हूँ समय तोड़ने की, मैं चाहता हूँ कि हाथ से चलने वाली मशीन अधिकतर बंद होनी चाहिए और ऐसी मोटर से चलने वाली बननी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक सोगी है, मैं ट्रांसलम एकेडमी इंटरनेशनल मेरठ से हूँ। मैं विज्ञान घर में आने के, विज्ञान घर को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ और विज्ञान घर में मैं जाके काफ़ी देश की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ।
मैं GCW गांधीनगर में BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले जब तो मैंने इस मतलब विज्ञान घर के बारे में सुना तो मतलब मुझे पता चला कि ये तो एक नई सोच है युवा विज्ञानी के लिए, जो युवा विज्ञानी को विज्ञान के क्षेत्र की ओर प्रेरित करेगा। ये विज्ञान घर हमारे लिए एक नदी का काम करेगा, जहाँ से हम जितना चाहे ज्ञान मतलब अपने अंदर समेट सकते हैं। नमस्कार, मैं शशांक त्यागी हूँ। मैं ट्रांसलेम अकेडमी इंटरनेशनल मेरठ का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है। मैं विज्ञान घर के लिए बहुत बेहद एक्साइटेड हूँ और मैं विज्ञान घर में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मेरे विज्ञान के प्रति समझ का दायरा बढ़ सके। मेरा नाम कनिका है, मैं हापुड़ से हूँ। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं विज्ञान घर में इसलिए आना चाहती हूँ ताकि हमारे आसपास हो रही गतिविधियों के पीछे छुपा विज्ञान, उसे प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करूँ। हेलो, मेरा नाम अक्षत है। मैं DAV मेरठ से हूँ और यहाँ मैं विज्ञान घर के लिए आया हूँ। और मैं 11th क्लास में हूँ। मेरी उम्र 16 साल है और मैं यहीं मेरठ का रहने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ पे विज्ञान घर में सीखना सिखाना तो हो गई और पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ नया करें। मेरा नाम श्रीनु गुप्ता है। मैं जम्मू कश्मीर राज्य से आई हूँ। जम्मू कश्मीर जो कि अपनी डुग्गर संस्कृति और कश्मीरी वादियों का एक अनोखा संगम है, वहाँ से मुझे ये मौका मिला है कि मैं यहाँ आकर विज्ञान घर में आकर यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीख सकूँ। यहाँ पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। जो मौका कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी उनको नहीं मिला, वो मौका मुझे यहाँ आके मिला। नमस्कार, मैं हिमांशु मलिक DAVM पब्लिक स्कूल सोनीपत का छात्र हरियाणा की टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं विज्ञान घर में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ख्याति गौतम है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आगरा से आई हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल है। मैं विज्ञान घर जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं हापुड़ से हूँ। मैं LN पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आकर मुझे लगा कि हाँ, वाकई ये सब कुछ विज्ञान से रिलेटेड है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए थे तो सोचा कि मुझे इन सब के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा, सबके साथ रहना सीख पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं आज तक अपने घर से बाहर गया ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम विसार जैन है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने अभी इस ईयर अपनी 12वीं कक्षा पास करी है। मैं साइंस में रुचि तो रखता हूँ, साथ में मैं गणित में भी रुचि रखता हूँ और मैं साइंस की जो नई नई खोजें हैं उनके बारे में जानने के शौकीन हूँ। मैं अभी कुछ वेद और मॉडर्न साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान रहा हूँ और उन पर रिसर्च कर रहा हूँ। नमस्ते, मैं अभिषेक शर्मा हापुड़ से आया हूँ। मैं 12th क्लास में LN पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आने के लिए बहुत पहले से एक्साइटेड था और यहाँ पर हमारा इंटरव्यू हुआ काफ़ी अच्छा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि मैं अगर विज्ञान घर में जाता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम के बारे में समझूँ ताकि हम जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर सकें और जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसे हम देख सकें। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो आविष्कार होंगे मैं उन्हें अपने देश के लिए कुछ इस्तेमाल करना चाहूँगा ताकि कहीं किसी सेक्टर में वो लग सकें। विज्ञान घर में बाल वैज्ञानिकों के प्रवेश से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम सकल गुर्जर जी ने विज्ञान घर का उद्घाटन किया और घर में अंदर जाकर उसका अवलोकन किया। विज्ञान घर वैज्ञानिक गतिविधियों का रियलिटी शो, दुनिया का सबसे पहला और अनोखा कार्यक्रम जहां वैज्ञानिक छात्र अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड मनोज कुमार पांडे जी और श्री राम सकल गुर्जर जी स्टेट मिनिस्टर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार मैं चाहूँगा हमारे तमाम यहाँ पर बैठे हुए मौजूद मेहमानों से कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाएं इन सभी के लिए। बेहद सम्मान के साथ माननीय मंत्री जी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे सर, आदरणीय श्री राम सकल गुर्जर जी, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अखिल साहब, हमारे वैज्ञानिक और प्रगति विज्ञान संस्था के संरक्षक प्रोफेसर SP खरे साहब, इतने बुजुर्ग और इतने सीनियर व्यक्तित्व इतनी ऊर्जा के साथ हमारे बीच में, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। ID राम साहब और प्रधानाचार्य डॉक्टर IP दुबे सर और बाकी सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानितगण और
वे बच्चे जो आज उस विज्ञान घर में जाने वाले हैं, जिसका इंतजार कई दिनों से ये बच्चे ही नहीं पूरा देश कर रहा है, ये मैंने महसूस किया है। और महसूस मैंने वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जहां बच्चों से बातचीत के बाद एहसास हुआ कि वास्तव में ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। मैंने स्वयं कल्पना नहीं की थी कि इस कार्यक्रम का कद इतना बढ़ जाएगा कि माननीय मंत्री जी भी उपस्थित होंगे इन बच्चों के लिए, और इतना सारा सब कुछ बच्चों के माध्यम से एक विस्तृत दृष्टिकोण निकल के सामने आने वाला है देश भर के इन 8 राज्यों से आए हुए इन बच्चों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ ये पुनीत कार के लिए। 10 दिन के बाद जब बच्चे यहाँ से निकलें तो ये पूरा देश और दुनिया जाने कि 10 दिन में बच्चों ने क्या किया, 10 दिन में बच्चों ने कितना किया, क्या खोया, क्या पाया, ये पूरी देश और दुनिया देखेगी इस बात के लिए। आज के युग में वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके को अपना करके तमाम दुनिया के राज्यों ने, देशों ने तरक्की की है और इसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है। तमाम हमारे देश में जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी होती हैं, उनके अंदर जो ज्ञान छिपा होता है, वो ज्ञान, उनकी प्रतिभा आगे आने का काम इस कार्यक्रम से होगा। मेरी इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजकों से मैं बहुत ही बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू हुई है। इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबसे पहले तो बहुत बधाई देंगे इस कॉलेज के प्रबंधक जी को, उनके प्रधानाचार्य जी को और अपने विज्ञान क्लब के हमारे जो विज्ञान अधिकारी हैं, इनको संयुक्त रूप से एक बड़ी अनूठी पहल करने के लिए हम बहुत बधाई देंगे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, विभाग की ओर से। और फिर हम बधाई देंगे अपने उन बच्चों को, जो बच्चे आज यहाँ पर इस विज्ञान घर में आए हैं, विज्ञान घर में 10 दिन रहेंगे। अभी लोगों ने कहा कार्यक्रम तो चैनल्स में चलते रहते हैं, बिग बॉस उसको लोग देखते हैं, लेकिन बिग बॉस और विज्ञान घर या विज्ञान गुरु दोनों में एक बहुत मूलभूत अंतर है। एक हमारे मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन जो बच्चे आज विज्ञान घर में रहेंगे वो मनोरंजन का साधन नहीं होगा, बल्कि इस देश को बहुत आगे ले जाने का एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रशस्त करने का काम है। इसलिए हम बधाई देंगे बच्चों को। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं में एक टेक्नो इंजीनियर हैं, जिनकी सोच है कि आईटी बढ़े, विज्ञान बढ़े, और ये नई पहल है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ होगा, एक पहला और अनूठा कार्यक्रम यहाँ के आयोजक साथियों ने मिलकर के एक नई सोच जागृत की है। आवश्यकता इतनी है कि अगर ये बच्चे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम इनके साथ 2 कदम अगर हम आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में ये बच्चे जरूर देश में एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में, एक बड़े इंजीनियर के रूप में, एक बड़े डॉक्टर के रूप में इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और जैसा कि हमें बताया गया है कि इन बच्चों में भी एक निर्णायक मंडल बैठेगा, 3-4 इन बच्चों को चयनित भी करेगा। हम बधाई अग्रिम देंगे उन बच्चों को जो चयनित होंगे, लेकिन उन बच्चों को भी हम कहेंगे जो किसी कारण से चयन नहीं हो पाएंगे, वो निराश नहीं होंगे, वो आगे की इस प्रतियोगिता और में प्रतिभाग करने के लिए अभी से कोशिश करेंगे। और जो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे, मैंने जैसा कि लोगों ने मांग किया, मैं यही कहता हूँ, उन बच्चों को और आगे शिक्षा के लिए सरकार मदद करेगी। और जैसा कहा कि कुछ चीज़ों को नई जानकारी देखने के लिए उन्हें हांगकांग भी भेजना है विदेश, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसका खर्च वहन करने की घोषणा करती है। हम वो पैसा भी उन बच्चों को देंगे और उन्हें जरूर हांगकांग भेजने का काम करेंगे। मैं पुनः सभी अपने आयोजकों को, हमारे प्रौद्योगिक शिक्षा के राज्य मंत्री हमारे भाई राम सकल जी ने भी आकर के
इन बच्चों की हौसला अफजाई किया है। मैं उनको भी बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने विभाग की ओर से, और आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। अभिषेक शर्मा हापुड़ से। जोरदार तालियां हो जाए अभिषेक के लिए। आकाश वर्मा हापुड़। कनिका मित्तल हापुड़। और ये सभी बच्चे आज अंशिका फ्रॉम मेरठ। अंशिका मेरठ से। भाई मेरठ के लिए भी जरा जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आज ये प्रोग्राम मेरठ की इस धरा से शुरू हो रहा है, तो इन सभी बच्चों का स्वागत करना है। शशांक त्यागी फ्रॉम मेरठ। आइए बेटा आप आते रहें, आगे आते रहें। हाँ, ऐश्वर्या गोले फ्रॉम गाजियाबाद। और सभी का स्वागत यहाँ पर हो रहा है बच्चों का, क्योंकि इनका मनोबल बढ़ाना है। हिमांशु मलिक सोनीपत हरियाणा। और कहते हैं कि सभी भाई, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। हार्दिक रस्तोगी मेरठ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए सभी। विसार जैन जबलपुर एमपी। मुदिता रायपुर। सजल शर्मा फ्रॉम मेरठ। स्वीनू गुप्ता जम्मू। सत्यव्रत पांडा फ्रॉम कटक उड़ीसा। भाई तालियां होती रहें इन बच्चों के लिए जरा। पूरे देश से, हमारे इंडिया से अलग अलग प्रांतों से ये बच्चे आए हुए हैं। और अक्षत गुप्ता फ्रॉम मेरठ। सुनीता देवी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। रोहित कुमार फ्रॉम मेरठ। ख्याति गुप्ता आगरा। आतिक कलीम फ्रॉम मेरठ। और विज्ञान के चमत्कार इस विज्ञान घर में आप सभी देखेंगे यहाँ पर। अनुव्रत। विज्ञान घर, वैज्ञानिक गतिविधियों का रियलिटी शो, दुनिया का सबसे पहला और अनोखा कार्यक्रम, जहां वैज्ञानिक छात्र अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। जिला विज्ञान क्लब मेरठ और प्रगति विज्ञान संस्था द्वारा आयोजित इस विज्ञान घर रियलिटी शो में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतियोगी आए हैं। बच्चों का उत्साह ये दर्शाता है कि विज्ञान घर उन्हें बहुत ही भा गया है। आज से 10 दिन तक ये प्रतियोगी विज्ञान घर के अंदर रहकर अपने प्रयोगों द्वारा कुछ आविष्कार करेंगे और छिपे हुए कैमरे इन पर नजर रखेंगे।
विज्ञान घर में प्रवेश के समय प्रतियोगियों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देने के लिए निर्णायक मंडल की सदस्य श्रीमती डॉक्टर सरोज शर्मा बच्चों से मिलने आई। उन्होंने बच्चों को बहुत सारी हिदायतें दी, उन्हें कुछ काम समझाए। उन्होंने 19 बच्चों को चार टीमों में बांट दिया। इन चार टीमों के नाम बच्चों ने खुद ही तय कर लिए। पहला रदरफोर्ड, दूसरा हिजनबर्ग, तीसरा जे.जे. थॉम्सन और चौथा टीम का नाम है मेंडलीव। रदरफोर्ड की टीम में है हार्दिक, अभिषेक, अंशिका और आतिक, जबकि हिगनबर्ग की टीम में है शशांक, सत्यव्रत पांडा, ऐश्वर्या गोले, अनुव्रत झा और ख्याति गौतम। जे.जे. थॉम्सन टीम में हैं सुनीता देवी, आकाश वर्मा, विसार जैन, हिमांशु मलिक और मुदिता दागा, जबकि टीम मेंडलीव में है अक्षत, रोहित, कनिका, सीनू और सृजन। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सके। घर से बन जाएगा, हम लोग जो मटेरियल बताया था कि ईंट वगैरह उनसे बना लेंगे। अभी तो नहीं, नहीं अभी तो नहीं। यार इधर आ जाओ प्लीज, देख कर इधर आ जाओ, तैयार करो क्या मटेरियल आ जाओ आ जाओ। आदेश आया। सरोज शर्मा जी के जाने के तुरंत बाद ही प्रतियोगी बच्चे अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हर टीम अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है। और जब तक बैट्स नहीं होंगे ना तब तक ही परफेक्ट। वो फिर समझाते हैं कि ऐसा है, आप मतलब जो थॉमस लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं ऐसा करके। फिर हाँ ये आइडिया। विज्ञान घर में आपका स्वागत है। आज पहला दिन और आप सभी अपने टास्क पूरे कर रहे होंगे। आशा है आप देश की उन संभावनाओं को पूरा करेंगे जो देश आपसे चाहता है। अब खाने का समय है, अभी ब्रेक, और आप सभी अपना रात्रि का डिनर लेंगे। कुछ ही घंटों में सभी बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। इस बात का प्रमाण है भोजनालय में मिलजुल कर भोजन करते और एक दूसरे का सहयोग करते ये बच्चे। रात को 9:30 बजे मैं बच्चों से मिलने आया हूँ। अंदर बैठे बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। अच्छा तुम लोग विज्ञान घर में नहीं आए? जी सर। आज पहली बार आए? जी सर। इस रूप में देखा? यस सर। बहुत अच्छा लगा सर। तो आपने कुछ कल्पना की और इस कल्पना में कितना अंतर था? सर बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा है सर। जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी उससे कहीं ज्यादा है। सबका ही ये जवाब है सर। ज्यादा यस सर। सर अगर कोई बंदा बुक नहीं लाया ना सर तो सर यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई पूरी साइंस की बुक पढ़ सकते हैं। सर हमने उसे लाइब्रेरी स्टडी कितना अच्छा है सर हमारा, वहाँ पर पूरा ग्रुप बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं। दो काम आपको और करने जो सारे ग्रुपों के टास्क है। पहला, आपको कल एनालेमा सोलर वॉच बनानी है, प्लस दूसरा टास्क आपको रॉकेट बनाना है, मॉडर्न रॉकेट। तो दो पार्ट में क्लास चलेगी, सुबह उठकर आपको एनालेमा की तैयारी भी करनी है और
रॉकेट। आज आपने एक टॉपिक था आपका, आपके व्यूज। इसी तरह रोज आपको एक व्यूज देना होगा। इस टास्क के साथ बीच बीच में बारिश भी हुई और बारिश नापने का एक तरीका है। रात को अगर बारिश आ गई तो आपको बारिश का पानी नापना है। सभी ग्रुप को एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये, आप इससे भी बारिश को नाप सकते हैं। और तीसरा उपकरण है, इसकी चौड़ाई, इसका व्यास और उस बर्तन का व्यास 10 गुने का अंतर होना चाहिए आपके पास है। इनको पूरा करने के बाद आपको कल की थीम दोपहर बाद की, अगर होता है संभव तो वाटर पर रखी जाएगी और जिसको जो चाहिए वो अपने पॉइंट्स पेपर पर लिखेगा। और ये जो टेबल कोने में पड़ी है, ठीक है, इस टेबल को ऊपर रख, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और एक दूसरे को सिखाते रहिए। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलते हैं। पहले दिन यानी विज्ञान घर में प्रवेश के दिन रोहित को विज्ञान पुत्र बनाकर भेजा, जो सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का नेतृत्व करेगा। मैंने उन्हें बारिश नापने का और एनालेमा सोलर वॉच बनाने का टास्क भी दिया। इसके साथ ही हाइड्रो रॉकेट भी वो बनाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे। कल देखेंगे कि कौन क्या करता है। शुभ रात्रि।